अजमेर के बाटा तिराहे को बचाने के लिए व्यापारियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है और इस संबंध में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। आज कलेक्टरेट में सांसद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे और इस संबंध में व्यापारियों को आश्वस्त किया गया कि बाटा तिराहे को बचाने के लिए सरकार से बातचीत करते हुए अधिकारियों से नया प्लान बनवाया जाएगा। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि बाटा तिराहा जनहित से जुड़ा मामला है और किसी को नुकसान न हो और तिराहे को बचाया जा सके, इस लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है और इस तिराहे को बचाने के लिए उच्चाधिकारियों से बातचीत करनी पड़ी तो उनसे भी उनकी राय लेकर सरकार के समक्ष निवेदन किया जाएगा जिससे कि बाटा तिराहे को बचाया जा सके। देखिए, उसी के लिए तो आज वहाँ की सारे जनप्रतिनिधि है, सारे जो भी व्यापारी संघ अध्यक्ष हैं या और भी जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं सभी यहाँ उनको बुलाया गया और सारे प्रशासन क्लर्क साहब सभी को, टेक्निकल इंजीनियर वगैरह सभी, हमारे महापौर जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्ष, क्योंकि ये कोई पार्टी का इशू नहीं है, ये है जनहित से जुड़ा हुआ और इसके लिए हमने सारी डिस्कस करी है और हम चाह रहे हैं कि और सुपर कोई टेक्निकल आदमी आकर इसको और देखे और यदि इसमें कोई बदलाव हो सकता है तो जनहित में इसको करने की कोशिश करें। इसके लिए ये तय हुआ कि ऊपर से और सुपर को टेक्निकल कोई व्यक्ति आकर, इंजीनियर आकर इसको एक दफ़ा और देखे कि यदि कोई जनहित में यदि इसमें और अच्छा हो सकता है तो उसको करा जाए, इसके लिए आज ये निर्णय हुआ। आज भागीरथ जी चौधरी, हम अजमेर सांसद से, हमने आज बहुत अच्छे सौहार्द वातावरण में बहुत अच्छी हमारी आज मीटिंग हुई और मीटिंग करके बाद में हमें सांसद जी ने पूरा भरोसा दिलाया है कि बाप का बाटा तिराया बंद नहीं होगा, क्योंकि वो अजमेर के सांसद हैं, उनकी बातों में बहुत वजन है और उनका हम आभार भी करते हैं। फिर उनके साथ में मेयर साहब और सांसद साहब और कलेक्टर साहब, इन साहब के साथ में बैठ करके हम लोगों ने एक मीटिंग करी जिसमें अजमेर के कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन हमारे साथ थे और बीजेपी अध्यक्ष भी प्रियशील हाड़ा जी साथ में थे। उन लोगों ने पूरी हमारे साथ के अंदर एक ही आवाज़ उठाई है कि बाटा तिराया बंद नहीं होगा, समझ गए। और भारती जी हमारे साथ हैं, वहाँ की पार्षद मेन, हमारी झांसी की रानी, समझिए आप। और हम लोग आज बहुत अच्छे वातावरण के अंदर बहुत अच्छा आश्वासन मिला है और इसके ऊपर पूरा गौर करके इसका नया रिजल्ट निकाल के इंजीनियरों ने भी बोला कि हम इसके ऊपर पूरा गहन अध्ययन करेंगे और अगर हायर अथॉरिटी अगर इंजीनियर बुलाने पड़े तो उनको बुला करके इसका रिजल्ट निकालेंगे और बाटा तिराहे को बचाएंगे और व्यापारियों को हित में, व्यापारियों को साथ लेकर के बैठ करके इसका कोई ना कोई निराकरण निकालेंगे और बजट, अगर भागीरथ जी ने कहा अगर बजट बढ़ा कोई कारण से तो बजट हम पास करवाएंगे। हमारे को बहुत खुशी है, हम भागीरथ जी का आभार व्यक्त करते हैं और कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना कीमती समय उन लोगों ने हमारे साथ में दिया। किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार संघ अध्यक्ष।